नमस्कार साथियों, सीबी ग्रेट गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने आया कि सहायक बोरन टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम डेट था, जो 2019 की वैकेंसी थी, फाइनली उसका डेट जो है क्लियर हो चुका है और अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिखाता हूँ, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो उसे भी बताऊँगा कैसे आप उसे जो है दोबारा पा सकते हैं। 3 जुलाई को पेपर होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तैयार हो जाइए। इसका जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दोस्तों आप जो है सरकारी रिजल्ट पर यहाँ भी आ सकते हैं, या फिर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upssc.gov.in वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो फाइली मैं यहाँ से सरकारी रिजल्ट से करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड पे दिखाई देगा कि जो है असिस्टेंट बोरन टेक्नीशियन दे सकते हैं। असिस्टेंट बोरन टेक्नीशियन 2022 की एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। फाइली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद जो है इंटरफेस खुल जाए कुछ इस तरह से। इसके बाद नीचे आ जाना है, दे सकते हैं 2019 की वैकेंसी है, 486 पोस्ट हैं जो आपने अप्लाई किया था वही है। तो यहाँ फाइनली जो है एडमिट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, जारी हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पे डिटेल मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो दोस्तों इस तरह से ऑफिशियल साइट खुल जाएगी आपके सामने। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर इसका डेट ऑफ बर्थ भरना है यहाँ पे, और इसके बाद जेंडर भरना है। और जेंडर भरने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है ये कैप्चा भर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अगर मान लीजिए आप जो है भूल चुके हैं कि कौन सा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर था आपका, तो आप बता दें कि यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे। पहले को दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करके यहाँ पे दे सकते हैं, आपको एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे दे सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल आपका दिया है, असिस्टेंट बोर्ड टेक्नीशियन का जो है, यहाँ पे 2019 की वैकेंसी थी यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर वगैरह मिल जाएगा, कौन सा सेंटर है। और इसके बाद यहाँ पे डेट दिया है 3 जुलाई 2022 को पेपर होगा। फर्स्ट मीटिंग में पेपर है इनका, 10 बजे से लेकर जो है 11:30 बजे पेपर होगा यहाँ पे। और इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको जो है निर्देश दिए गए हैं, आप निर्देश को पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना उसी साइट पे, और यहाँ पे जो है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया सर्च योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद आपको फुल नेम भरना है। यहाँ पे फुल नेम भरने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फादर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, इसके बाद वेरिफिकेशन कोड भरना है जहाँ पे दिया गया है, इसके बाद सर्च करना है। मैं सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सर्च किया है, जितने इस नाम से जो है, जिस नाम से जो है, जितने इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था यूपी ट्रिपल एस सी पे जितने इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, पूरी लिस्ट जो है खुल जाती है यहाँ पे, जो पूरी लिस्ट है वो खुल जाती है UPSSC पे। अब इसमें देखिए यहाँ पे असिस्टेंट बोर्ड टेक्नीशियन का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है यहाँ पे। तो आप जो है क्या करना है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर जो है, मैंने थोड़ा सा ब्लैक कर दिया यहाँ पे, तो इसको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से लेकर जो आप वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना जो है असिस्टेंट बोर्ड टेक्नीशियन का जो है एडमिट कार्ड देख सकते हैं। तो फाइनल तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको सर्च करना है, देखना है, तो पूरा डिटेल भर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।